I said you better watch what you're doing, 'cause I ain't gonna stop when I'm moving. I'm headed to the top, I'ma do it. I'm headed to the top, I'ma prove it. And baby girl, I like what you're doing. Your body's out of sight when you're moving. You look just like my type, so let's do it. You know I'll treat you right, let me prove it. And I could go all night, I'm sick of being nothing. All right, I'm gonna be something. I'll fight with every breath, trust me, I'ma be. अभी ऐसा इसको ना बहुत दिन हो गए सोलो का गेम प्ले अपलोड नहीं किया, तो लो भैया आप लोग के लिए सोलो का गेम प्ले अपलोड करता हूँ। सो हेलो मतलब कैसे हो यार आप लोग। तो भैया आ चुके हैं हम लोग फिर से एक सोलो के गेम प्ले में बहुत दिनों के बाद। और भैया आप लोग मेरे से बहुत दिन से पूछ रहे हो यार तू डेली अपलोड क्यों नहीं करता था। भैया इसका सिंपल सा रीज़न ये है ना कि मेरे पास में एक एयरटेल का सिम है, वाईफाई नहीं है, बस एयरटेल का सिम है जिसमें 1400 MB मिलते हैं। उसमें से मैं कितना खेलता हूँ, कितना अपलोड करता हूँ, क्या आप समझ ही सकते हो भाई साहब 1400 MB में क्या क्या होता है। तो यार मैं कभी कभी नेटवर्क इतना गंदा होता है ना आप पूछो मत, मतलब कि जिस जगह पर मैं रहता हूँ वहाँ पर यार वाईफाई की सुविधा अवेलेबल है ही नहीं। तो भैया वाईफाई का तो नाम ही मत लेना। जानता हूँ मतलब कुछ बंदे सोच रहे वाईफाई लगवा ले, लेकिन भाई साहब मैं वो क्लियर बता दिया ना ऐसा यहाँ पर होता ही नहीं यार। सपोर्ट करो यार, कैसे मैं वीडियो अपलोड करता बस मुझे ही मालूम है। देखो यार मैं पिकअप ही नहीं कर पा रहा हूँ, तो भाई साहब सपोर्ट करो कम से कम। कैसे मैं मुश्किल से मैं बनाता हूँ वीडियो आपको पता ही नहीं। अब बात करते इस गेम प्ले की, तो भैया लकीली हम लोग आ चुके हैं पोजन की, और लकीली सामने एक बंदा भी दिख गया है। तो भैया करते ख़त्म उसको। अब ये भाई साहब तो यहाँ पर से पीक करके रह गए थे, तो भैया एश वर्क केस को ख़त्म कर दिया जाए। अब गया मैं यहाँ इसको लूटने के लिए। अब जैसे मैं लूट के यहाँ पर तैयार हुआ था, भाई साहब के पास से एक एम मेरे को मिल गई थी। और जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ मेरे आती है मॉली, ये तो कहो भाई साहब मैं यहाँ पे आ गया जो कि मैं बच गया, नहीं तो भाई कब का ख़त्म हो गया होता। अब वो बंदा मेरे पे कर रहा था रश, तो यार कर देते ख़त्म उसको है कि नहीं। अब यार यहाँ पे हम दोनों की गन रीलोडिंग पे लगी थी, तो भैया सेकेंडरी गन ने काम कर दिया यार, बस हो गया कैसे भी बस पता नहीं यार। अब उसके बाद वहाँ से निकल के यहाँ पे ये भाई साहब यहाँ पे एक बंदा आ गया, इसको भी ख़त्म करते हैं यार हम लोग। अब यार इस बंदे को जैसे ख़त्म करके इसकी लूट लेकर बढ़ा, तो सामने मुझे फुटस्टेप आने लगी, तो मैं भैया उधर की ओर ही किया। और यहाँ पे भाई साहब मेरा लक देखना, मतलब तुक्के से वो बंदा मरा है तुक्के से। तो यार उस बंदे को मारने के बाद थोड़ा बारी चढ़ाने का उसको, तो भैया इमोट का मतलब यही होता है यार, इमोट इसीलिए दिए गए कि आप बंदे को चढ़ा पाओ। ऐसा मतलब बुरा मत मानना, मतलब इमोट का मतलब ये होता है वो चढ़ाना उसको। तो वहाँ पे कोई पूछ के मुझे मिला नहीं, तो भैया मैं गाड़ी लेके सेल्टर की तरफ आ गया, क्योंकि भाई साहब जोन इधर ही बना था। तो अब जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ मुझे एक बंदा स्पॉट भी हो जाता है, तो भैया मैं DPS को कुछ टैग देने का मतलब करता हूँ, लेकिन भाई साहब लगता नहीं है। अब आप लोग यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से नोटिस करना, मैंने उस बंदे को कैसे मारा है, मतलब आप लोग ये चीज़ ट्राई करना अगर कोई बंदा सेल्टर में आपको मिल जाए तो आप सीधा गाड़ी घुसा दो अंदर और सीधा वहाँ से एग्जिट कर लो। वो बंदा भाई साहब गाड़ी पे ही मारता रह जाएगा, आप उसको आकर पेल दोगे। तो भैया ये कुछ टिप्स होते हैं, मतलब अगर वीडियो पसंद आए ना भैया कहीं से भी मतलब लाइक कर देना यार, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना। अब बस भाई उसको चढ़ाने का है कि नहीं, क्योंकि भाई साहब रॉयल पास में आप पैसे लगाते हो तो भैया चढ़ाने का मौका मिलता है कि नहीं। अब बस भाई थी वहाँ से निकलने की आगे, मतलब आगे सेल्टर में लूट करने की यार। तो भैया जैसे यहाँ पे पड़ा था, यहाँ पे भाई साहब यहाँ पिंग देखना, ये तो कोई यहाँ पे बॉट था जो कि मैं बच गया, नहीं तो भाई साहब यहाँ पिंग ऐसा था कि यहाँ पे मतलब खुद से कैरेक्टर हिल रहा है, मैं फायर करते आ रहा हूँ यार, मतलब मैं खुद नहीं कर रही, मतलब मेरा नेटवर्क करवा रहा है। रीलोड मारता हूँ एक बार, तो भाई साहब क्या गंदा लोचा हो रहा है मुझे ही पता है यार। अब भाई थी गाड़ी उठा के यहाँ से जॉब के पीछे आए थे, और भाई साहब जॉब बगल में ही गिरा था, और वहाँ पहले से फायर हुए थे, तो मैं वहाँ जाकर थर्ड पार्टी करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन भाई साहब वहाँ पे बंदा मुझे मिलता ही नहीं है। और यहाँ पे भाई साहब मेरी पिंग भी यार नॉर्मल थोड़ी ना है जो कि इसी तक घुस के फाइट ले लो। तो भैया पिंग के मुताबिक देखते हुए मेरे को ये वॉच टावर मिलती है, तो यहाँ पे जैसे मैं आता हूँ भाई साहब क्या मेरे पे स्प्रे होता है पीछे से,
तो भाई ये तो कहो मैं यार इधर को आ गया इसलिए बच गया, अब बस बारी थी उसको बंदे को मारने की। लेकिन जैसे मैं टीपी लेके उसको देखने लगता हूँ, पहले उसके पहले बैंडेज लगाना है यार, क्योंकि बिना फर्स्ट एड के आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे भाई साहब। पीछे से जो टैग पड़ती है पूछो मत, मतलब गंदा स्प्रे यार एकदम, मतलब यहाँ पर मैं कैसे बचाऊँ यार मेरे को खुद पता नहीं है। तो भैया यहाँ सबसे पहले मेडकिट लगाने के बाद ये बंदा यहाँ सामने स्पॉट जो आता है, तो भैया इसको टैप टैप करके देता हूँ मैं, लेकिन यार कुछ होता नहीं है। तो यहाँ पे मेरी भाई पिंग देखो 200-300 जा रही है यार, तो उसको लकीली उसको ख़त्म करने के बाद सोचता हूँ जाके जाकर लूट कर लूँ। और जैसे मैं बाहर निकलता हूँ यार, यहाँ पे फिर से वही चीज़ यार हो जाता है यार। पिंग देखो मेरी आप, पिंग मतलब बस पिंग देखना आप, इस बंदे को मैं कैसे मारता हूँ बस पिंग देखना आप। अब यार मुझे ये समझ नहीं आता भाई साहब उसको कितना टैग दे रहा था, तो बंदा मर ही नहीं रहा था। तो उसके बाद जान ध्यान जाता है मेरे पिंग पे यार, 900 की पिंग चल रही है भाई साहब पूरे गेम में मेरा इस यही रोना है यार पिंग का। और हाँ यार जो बंदे बोलते हैं यार मेरे को स्क्वाड में खिलाना है, तो भाई साहब मैं आपको क्लियर बता दूँ कि मैं भाई साहब स्क्वाड वाला बंदा नहीं हूँ, मैं सोलो बंदा हूँ ठीक है। और मैं मतलब कि मेरे खुद के स्क्वाड जो मेंबर है ना वो खुद मेरे को गाली देते रहते हैं यार कि मतलब कि वैसे एक्चुअली होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो मैं अगर स्क्वाड में खेलता हूँ या तो मैं पहले मर जाता हूँ या फिर मतलब कि उन लोग को ही मतलब कि गलती से मार देता हूँ, इसलिए यार वो होता नहीं है। तो भैया आप यहाँ से गाली लेकर वो निकलते हैं, तो सामने मतलब कि एक गार्ड मतलब डाचा मुझे को दिख जाती है। मैं डाचा लेकर जा रहा था, वो भी डाचा मार लगा हुई थी, तो पहले यहाँ सोचता हूँ कि इसमें क्या पता बंदा है या नहीं है। जब उसको उतर के देखता हूँ क्या मुझे बंदा दिखता है यार। अगर आप लोगों को पता है ये बंदा एक्चुअली कर क्या रहा था, अब पता है तो भाई मुझे कॉमेंट में जाकर बताओ जल्दी से यार। और उसके बाद फिर यहाँ पर से गाड़ी लेकर हम लोग आ जाते हैं फिर यहाँ पर। अब यहाँ पे एक भाई साहब कतई देर से यार गाड़ी भगा रहे थे, भैया इसको भी ख़त्म करेंगे, लेकिन यहाँ पर यार यहाँ भी वही 900 का पिंग चल रहा है यार, कैसे मारूँ यार उसको। मतलब किस्मत ही साथ नहीं है, जब किस्मत साथ होती है तो भाई साहब मतलब स्किल काम नहीं आता है। तो अब बस बारी उसको ख़त्म करने की, लेकिन भाई साहब करते ही देर से यार मतलब लुके छुपे खेल रहे हैं। और इसी घर में मतलब कि दो एनिमी है, एक नीचे है एक ऊपर, जिसको मैं नीचे वाले को मैं मार रहा हूँ, ऊपर एक और है, तो भैया वो उसको ख़त्म कर देगा। बारी है यहाँ से निकलने की, तो भैया स्मोक से यहाँ से निकला जाए, क्योंकि देखो यार स्मोक आपको बहुत अच्छे से बचाता है। और यार थ्रोएबल्स का यूज कर दिया करो, कहाँ लेके जाओगे। स्मोक है तो स्मोक से आप ध्यान भटका सकते हो, उसको मतलब पोजीशन चेंज करके स्मोक बहुत अच्छा तरीका है। लास्ट जोन में यार स्मोक कम से कम 5-6 तो रखो ही रखो, 5-6 मत रखो तो कम से कम 3 तो रखो यार, क्योंकि भाई साहब स्मोक बहुत हेल्पफुल होती है। तो अब बस बारी उसको ख़त्म करने के, तो करते हैं ख़त्म उसको है कि नहीं, लेकिन उसके पहले बूस्ट हो जाओ। और हाँ एक टिप आपको मैं हमेशा दूंगा, एक टिप्स आपको कि लास्ट जोन में जितना बूस्ट हो सकते हो या अपने आप को जितना बूस्ट कर सकते हो उतना बूस्ट करो, क्योंकि आपको पता नहीं रहता है कि कहाँ से बंदा आपको कब मारते। तो भैया यहाँ पे अब क्लिश उसकी खोपड़ी दिखती है, तो भैया उसको टपली फोड़ने का कोशिश करता हूँ, लेकिन ये तो भाई साहब ग्लिच थी, क्योंकि मारने का कोई मतलब बनता नहीं है। अब मुझे ये पता था वो बंदा को आना है जोन में, उसने भी स्मोक किया था, तो भैया करते हैं ख़त्म उसको है कि नहीं। और भाई साहब वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना यार, तो मिलते हैं अगले वीडियो में है कि नहीं। Thank you.